चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिया एक वेलवेट का कपड़ा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये फोल्ड भी हो रहा है, यहाँ से देख सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ से हम इसका जो माप करेंगे, जैसे मैं ले रही हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 इंच हमने लेना है, और हम 2.5 लेंगे यहाँ पे, 2.5 पे मैं लगा रही हूँ मार्क, ठीक है। तो 2.5 हम ले रहे हैं यहाँ से, ओके। तो इसकी जो हम लेंथ लेंगे वो हम लेंगे यहाँ से गाइस, यहाँ से मैं आपको माप कर रही हूँ, अब देखना यहाँ से हम लेंगे टोटल ओवरऑल जो इसकी लेंथ लेंगे वो इधर से माप कर लेते हैं हम। यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से 8 इंच बनता है गाइस, यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से 8 इंच ले रही हूँ, इतना 8 इंच के करीब शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इतना, ठीक है, 8 इंच ले रहे हैं हम। यहाँ पे निशानी लगाएंगे 8 इंच पे, ओके। तो 8 इंच लिया यहाँ से हमने, ठीक है, 8 इंच के करीब, और यहाँ से भी हम मार्क लगा लेंगे 2.5 पे, 2.5 इंच पे। तो मैं आपको इधर से दिखा देती हूँ दूसरी ओर से, यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमारा फोल्ड हो रखा है तो हम यहाँ से सीधा कर लेंगे, तो यहाँ से लेंगे 2.5, ओके। 2.5 पे मैंने निशान लगाया, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर से भी हमने यहाँ से लिया था, मैं आपको दिखा रही हूँ, 2.5 ही है यहाँ पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया मैंने क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक हम जो है वो कट कर लेंगे पीस। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्क लगाया था, यहाँ से हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से सीधा, और यहाँ से हम यहाँ से इस और सीधा करते हुए कटिंग करेंगे इसकी। तो मैं आपको इसकी जो कटिंग है वो करके दिखाती हूँ, यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे इधर से। तो वेलवेट है तो थोड़ा सा तो ये मुड़ेगा ही, ठीक है। यहाँ से देखिए इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, यहाँ से हमने यहाँ तक इसको कट कर लिया, ठीक है। तो ये हमने कट कर लिया, ओके गाइस। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे इसको हम, इतना, ओके। तो उसके बाद हम इसको सीधा कट कर देंगे, यहाँ तक हमने सीधा स्ट्रेट निशान लगाया था ना, वहाँ तक हम इसको इस तरीके से कट करते हुए जाएंगे ऊपर की ओर, देखिए यहाँ पर हमने निशान लगाया था, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ तक हम इसको को कट कर देंगे फैब्रिक को। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने जो पीस लिया आप देख सकते हो, यहाँ से हमारा 2.5 है और यहाँ से हमारा 8 इंच है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, उसके बाद हम इसको, ये इसकी सीधी साइड है तो इसको हम इस तरीके से करके यहाँ से, तो यहाँ से हम एक इसकी स्टिच लगा लेंगे। तो मैं स्टिच लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने इसको स्टिच कर लिया है, यहाँ से लेकर हमने एक और इसकी ऐसे ऐसे स्टिच लगा ली। अभी हम इसको करेंगे सीधा, ठीक है। तो सीधा ये आसानी से हो जाएगा, इसको ऐसे अपने पकड़ के ऐसे सीधा कर लेना है। इस तरीके से आपने इसको सीधा करते जाना है, तो ये सीधा हो जाएगा आसानी से। तो आप चाहो तो किसी इसकी हेल्प ले लेते हैं हम पेंसिल की, तो इसकी हेल्प से हम इसे आसानी से सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सीधा हो गया, हमारा फैब्रिक था जो आसानी से सीधा हो चुका है, इस तरह से ये बन गया है अभी, ठीक है। तो इसके बाद सीधा करने के बाद गाइस आपने क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हमें चाहिए रबड़ बैंड, हमने लेना है जो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का आप ले सकते हो, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेचेबल होता है। तो जैसे जितना ये है इसका हाफ हम लेंगे रबड़ बैंड, जैसे ये हो गया ना, तो इसका हाफ ये हो गया हमारा रबड़ बैंड, ठीक है। तो इतना लेना हमने, ऐसे होता है ये, ठीक है।
अभी हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इसी पेंसिल की हेल्प से हम इंसर्ट कर लेते हैं इसको इसके अंदर। ठीक है, होएगा कि नहीं होएगा। तो मैं ले रही हूँ ये टिकटॉक पिन है ये, इसके अंदर ऐसे करके हम इसको रबर बैंड को ऐसे टिकाएंगे और इसके बाद इसके अंदर से ऐसे इंसर्ट करेंगे। तो ये आ गया हमारा दूसरी और। ठीक है, अब भी हम इसको निकाल लेते हैं पिन से बाहर। ओके, तो ये हमारे दोनों कॉर्नर है जो गाइस रबड़ बैंड के, ठीक है, दोनों कॉर्नर्स है। तो इसको पकड़ करके हम सिंपली इसको यहाँ से नॉट लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने नॉट लगा दी। और उसके बाद ये जो हमने क्या करना है फिर, ये जो हमारे ये कॉर्नर है इसको हम अंदर की ओर पुश कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से। ये मैंने पुश कर दिया और फिर दूसरी ओर वाला भी ऐसे ही पुश कर देंगे अंदर की ओर थोड़ा थोड़ा। पुश कर देंगे और फिर इन दोनों को यहाँ से हम स्टिच करेंगे नॉर्मली सिंपल जो स्टिच होता है सुई के हेल्प से, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी देखिए ये जो किनारे हैं इसके, ये दोनों इसको हम अंदर की ओर पुश करके, ये मैंने एक सुई ली है यहाँ से, हम यहाँ से लेंगे इसको और इनको दोनों को ऐसे करते हुए हम सी देंगे यहाँ से दोनों को। रफली हम ऐसे ऐसे सीते जाएंगे दोनों को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए। तो यहाँ से देखिए ये प्रॉपर से हमारा उसी, और हम वहीं उसी कॉर्नर पे आ गए हैं। यहाँ पे हम इसको कर देंगे बंद इस तरीके से करके, फिर यहाँ पे नॉट लगाएंगे यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, पक्का कर देंगे, एक और नॉट लगा देंगे इस तरीके से और फिर ये वाला जो है यहाँ से निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं इसको कट कर रही हूँ। तो देखिए ये हमारा खूबसूरत सा रबड़ बैंड है जो बन के रेडी हो गया है। आप इसी तरीके से बना सकते हो, बहुत ही आसान होता है, मैंने और भी बना रहे। तो देखिए हमारा खूबसूरत सा रबड़ बैंड है जो बन के रेडी हो गया। इस तरीके से आप इसे अपनी पोनी टेल पे डाल सकती हो। और मैंने ये एक और बना रखा था गाइस, ये फ्लावर्स वाला है, इसमें थोड़ा कपड़ा, ये सिंपल है, इसको भी हम ऐसे करके पोनी टेल पे डाल सकते हैं।
तो एक मैंने ये बनाया था। तो ये खूबसूरत से रबर बैंड गाइस, रफल हेयर बैंड घर पे आसानी से बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ओके।